हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वोटर कार्ड को अपडेट किस तरह से कराएंगे। दोस्तों नया अपडेट आ गया है इसमें, तो दोस्तों हम अपने वोटर कार्ड को किस तरह से अपडेट कराएंगे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप वोटर कार्ड में अपना मोबाइल नंबर किस तरह लिंक करेंगे और किस तरह से डाउनलोड कराएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ अपना वोटर कार्ड किस तरह से अपडेट कराएंगे। दोस्तों तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ओपन कर लेंगे, उसमें वोटर सर्विस पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको वोटर सर्विस पोर्टल वाला, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे एक बार। यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको थ्री डॉट जो मेनू का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है वोटर्स, यहाँ पर आप डाउनलोड ई एपिक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं डाउनलोड ई एपिक पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म नंबर 8 येलो वाला जो फॉर्म दिख रहा है 8 नंबर, इस पर कर देंगे क्लिक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अपना अदर इलेक्टर पर जाके अपना जो वोटर कार्ड है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर अपना वोटर कार्ड फिल कर देता हूँ। वोटर कार्ड जो नंबर फिल होता है उसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लास्ट के जो 5 वर्ड होते हैं उसको मैं यहाँ पर फिल करूँगा। देखिए बिना मैंने ये फिल किया। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसे करूँगा सबमिट पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर कोई भी नाम सर्च होके नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप ओके करेंगे, फिर बैक करेंगे, फिर 8 नंबर पर जाएंगे और फिर इसे यहाँ पर एंटर वोटर अदर इलेक्टर, यहाँ पर आप अपना फिर से वही नंबर फिल कराएंगे। अब देखिए इसके बाद में यहाँ से आप इसमें पहले 0 लगाएंगे। देखिए मैंने 0 लगाया, 0 लगा के फिर से अपने 5 वर्ड्स यहाँ पर फिल कराएंगे और सबमिट कर देंगे। दोस्तों इसमें 0 का जो ऑप्शन आया है वही आपका अपडेट है। 0 लगा के इसमें अपडेट कराएंगे। देखिए मैं किस तरह से अपडेट कराऊँ, सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। जब मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ फिर से एक और नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी ये अपडेट होगा। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नंबर एंटर यानी फिल कर देता हूँ और सेंड OTP पर जाता हूँ। इसके बाद में आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा जो आपने फिल किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर अपना OTP फिल कर देता हूँ जो मेरे नंबर पर आ चुका है और वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर OTP फिल कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपना प्लेस जो आपका स्थान है मेन वो यहाँ पर फिल कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है 6 वर्ड का कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे नीचे। ठीक है, अब प्रीव्यू एंड सबमिट पर कर देंगे क्लिक। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वोटर कार्ड अपडेट करना बता रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर यस करेंगे, यस करने के बाद ओके। तो दोस्तों आपका जो वोटर कार्ड है अपडेट हो चुका है। दोस्तों अब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप अपना वोटर कार्ड किस तरह से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों उसी हिसाब से आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर लें जो कि अपडेट होके आया है।